सो फर्स्टली वेलकम टू आई डब्ल्यू एन बस. आज हमने आपका डांस सीखा, बहुत टफ था लेकिन आपने काफी ही अच्छी कोशिश की. क्या बोलना चाहोगे आज के सीन के बारे में? एक्चुअली मैं मोहन, राधा और गुनगुन के लिए मैं बाकी बिहारी जी से प्रार्थना कर रही हूँ कि जब तक वो सही सलामत वापस नहीं आते तब तक मैं नहीं रुकूंगी. जैसे उन्होंने कालिया नाग के ऊपर डांस किया था गोकुल के लोगों को बचाने के लिए, वैसे आई एम ट्राइंग कि मैं अपने लोगों को घर वापस लेकर आ जाऊँ. तो एक प्रार्थना, एक विनती है उनके लिए. उन वैसे बहुत मुश्किल आपके लिए भी था, बहुत बड़ा है बिकॉज मैं बेसिकली मैं डांस नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं तांडव कर रही हूँ और तांडव डायरेक्टली तांडव और वो भी मतलब हमें ना प्रैक्टिस ना कुछ, अभी तांडव करना है वैसा हुआ मेरे साथ. बट या आई एम हैप्पी, आई एम एंजॉइंग एक्चुअली दिस. और अगर बात किया जाए आपके कैरेक्टर को, तो कैरेक्टर भी थॉट कि तुलसी विल बी नो स्टार्टिंग में रहेगी फिर जाएगी, बट योर कैरेक्टर इज गोइंग वेरी वेल. या वी आर लविंग यू टू सी ऑन स्क्रीन. कितना अच्छे रिस्पांस फैंस से मिल रहे हैं. बहुत अच्छा. आपने जो सोचा था वैसा हो रहा है? या डेफिनेटली बहुत अच्छा. जो हमारे प्रोड्यूसर है, जो राइटर है, उन्होंने मेरे कैरेक्टर को बहुत अच्छा ग्राफ दिया है. उन्होंने पूरा दिखाया है कि कैसे हो सकती है. एक जो माँ वाला एंगल है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से किया है. फिर उसकी जो पास्ट जो दिखाते रहते फ्लैश कार्ड्स, वो भी वो बहुत अच्छे तरीके से दिया. सो आई एम वेरी सैटिस्फाइड एंड वेरी हैप्पी. जस्ट अ सेकेंड. जिसने बहुत अच्छी तरीके से वो दिखाया है एंड very happy with my character, so I'm enjoying Tulsi. फैन से बहुत सारा प्यार मिलता है हमेशा ही, कोई भी शो करो, कोई भी कैरेक्टर करो, एंड दे आर वेरी सपोर्टिव. और आई थिंक ये जो कैरेक्टर है उसके लिए भी बहुत अच्छा. एंड इवन आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस टाइम. सो बेसिकली मुझे भी कुछ करने का मौका मिल रहा है. सो या डेफिनेटली, एंड थैंक्स टू माई फैंस, बिकॉज ऑफ देम ओनली आई एम एबल टू डू इट. बिकॉज अदरवाइज अगर आपको उतना लोग पसंद नहीं करते आपके कैरेक्टर को या आपको, तो आप को खुद को करने की इच्छा नहीं होती है. बट आई थिंक बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है इसलिए आज मैं तांडव भी कर रही हूँ. अगर बात किया जाए तुलसी कैरेक्टर, हाँ, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम योर कैरेक्टर? व्हाट इज दैट वन थिंग यू लव अबाउट योर कैरेक्टर? अबाउट माय कैरेक्टर, लाइक उसमें सारे शेड्स हैं तुलसी में. एक होता है अदरवाइज सिर्फ पॉजिटिव होता है या कुछ, बट इन दिस कैरेक्टर आई एम प्लेइंग सो मेनी थिंग्स. मतलब एक वो माँ वाला तो फैक्टर है ही, एक वाइफ वाला जो है, प्लस जो प्रोटेक्टिव है. अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम दैट आई नो कौन यहाँ पे जो है जो सब खराब कर रहा है या कौन जान लेने की कोशिश कर रहा है उनके साथ, वो अलग से. एंड द फन पार्ट इज, यू नो, जब भी मैं बात करती हूँ डायलॉग्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, कोई सुन ही नहीं रहा होता है तो. एंड जैसे मैं, क्या होता है ना जब हम डेली सोप करते हैं रोज़ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, पर मैं, मेरा कोई चेंज नहीं होता है. तो मैं सुबह आके जो रेडी हो जाती हूँ तो वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत खुश रखती है. अदरवाइज चेंज है चलो वो वाला चीज़ है. एंड आई एम कैरेक्टर तो मतलब बहुत ही अच्छा है. एक गोस्ट वाला है, लाइक उसके साथ साथ वो माँ वाला एंगल भी है. मुझे पता है कौन क्या कर रहा है, किसने क्या नहीं किया है. तुलसी की बैक स्टोरी है विथ मोहन के साथ, वो कनेक्शन है उन दोनों का, प्यार है जो जिस के लिए वो अलग ही है. मोहन और जो तुलसी का जो रिलेशन है, गुनगुन है, गुनगुन के साथ अलग रिलेशन है. सो एंड विथ राधा आल्सो, कि शायद तुलसी और राधा बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनने वाले हैं. शी इज़ गोना गाइड हर कि कैसे है क्या है. तो डेफिनेटली अच्छा है. ऑडियंस के लिए ये मैसेज है कि आपने मुझे हमेशा बहुत सारा प्यार दिया है मेरे सारे शोज़ में, सारे कैरेक्टर्स को. आप इसे भी उतना ही प्यार दीजिए, आप दे रहे हैं लेकिन और ज़्यादा दीजिए. और सिर्फ मुझे ही नहीं, हमारे पूरे शो को. और प्लीज़ 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 राधा मोहन प्लीज़ देखिए जी टी वी पर शाम को 8 बजे, बिकॉज़ हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं. हमारे बच्चे वहाँ पे हेलीपैड पे भी शूट कर रहे हैं बस में. सो प्लीज़ प्लीज़ आपका प्यार सपोर्ट दीजिए. थैंक यू सो मच.